सीकर के जिला खेल स्टेडियम में 3 मई को आयोजित होने वाली पीएम मोदी की सभा को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से तैयारियों को लेकर चर्चा भी की और साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इसके बाद मंत्री शेखावत पत्रकारों से रूबरू हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर है और देशवासी राष्ट्रहित की सरकार बनाने के मूड में है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सब नेताओं ने जिस तरह से राजस्थान के किसान के साथ में दोहरा धोखा किया है, राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा किया है, राजस्थान के आम जनता के साथ में बिजली का बिल बढ़ा करके जिस तरह से धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बोलने का अधिकार नहीं है, न कांग्रेस पार्टी के मुखिया को अधिकार है। कि कांग्रेस पार्टी के लोग न केवल झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, न केवल जो है चिमटे से दाग रहे हैं और जो तेजाब भी ऊपर डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ऋण माफ़ी का वादा किया था, राजस्थान के किसान को ठगा और आज पूरे देश भर में इस बात के लिए बयान।